नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। दिल्ली की एक सीबीआई अदालत ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला को जेबीटी अध्यापक भर्ती घोटाले में 10-10 साल की सजा सुनाई है। अदालत के इस फैसले ने हरियाणा की राजनीति में हलचल ला दी है। आखिर चौटाला और उनके बेटे का दोषी करार दिया जाना हरियाणा की राजनीति के लिए क्या मायने रखता है, जानेंगे आज की प्राइम डिबेट में। ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला को दिल्ली की एक सीबीआई अदालत ने 10-10 साल के लिए सलाखों के पीछे भेज दिया है। मामला साल 2000 में हुए जेबीटी अध्यापकों की भर्ती में हुए घोटाले का है। अदालत के इस फैसले ने हरियाणा के राजनीतिक हलकों में खलबली मचा दी है। वो इसीलिए क्योंकि जनप्रतिनिधि कानून के तहत अगर किसी व्यक्ति को कोई भी अदालत 2 साल से अधिक की सजा सुनाती है तो वो सजा सुनाए जाने के दिन से सजा काटने के 6 साल बाद तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है। ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला के मामले में भी कुछ ऐसा ही है। अगर हाईकोर्ट उनकी सजा के निचली अदालत के फैसले पर रोक नहीं लगाता तो वो आने वाले विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, और अगर दोनों चुनाव नहीं लड़ पाए तो इनेलो के अस्तित्व पर भी सवालिया निशान लग जाता है। एक बहुत बड़ा झटका है इनेलो के लिए और फिर प्रदेश की पॉलिटिक्स के अंदर एक अहम मोड़ है, लेकिन उसके बाद ये मामला कहाँ तक जाता है, किस तरह से मोड़ लेगा, ये कई बातों पे होगा कि इनेलो के नेता चौटाला के साथ टिके रहते हैं या बाहर निकल जाते हैं। दरअसल इनेलो एक पारिवारिक पार्टी रही है। देश के उप प्रधानमंत्री रह चुके चौधरी देवीलाल के सुपुत्र ओम प्रकाश चौटाला 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वह उनके पुत्र अजय चौटाला जो फिलहाल पार्टी के महासचिव हैं, वो पार्टी का कार्यभार देखते आए हैं। ऐसे में अगर ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला जेल की सलाखों के पीछे चले जाते हैं तो अभय चौटाला एकमात्र सहारा दिखते हैं। लेकिन समस्या ये है कि ओम प्रकाश चौटाला के दूसरे बेटे अभय चौटाला राजनीति में इतने सक्रिय नहीं है, तो सवाल ये भी उठता है कि क्या परिवार का कोई अन्य सदस्य अब राजनीति में कदम रखेगा। वही बात ये भी है कि अगर हाईकोर्ट निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाता है तो क्या प्रदेश की जनता इस प्रकरण के बाद उन्हें फिर गले लगाएगी। इनेलो हरियाणा में मुख्य विपक्षी पार्टी है, अगर उसका अस्तित्व खतरे में पड़ता है तो कांग्रेस को इसका फायदा जरूर मिलेगा। देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है या व्यक्तिगत तौर से हम सब का प्रश्न है, हम इस निर्णय से के प्रति कोई खुशी या गमी इस प्रकार का इजहार कोई नहीं। वही भाजपा और हजका भी इस फैसले से फायदे में ही रहेंगी। पॉलिटिक्स के ऊपर कोई वैक्यूम, ऐसा मैंने आपको कहा कि वैक्यूम बनेगा, अगर बनेगा तो उसका लाभ हमें मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस से तो सब सताए हुए हैं, कांग्रेस से सब लोग भागना चाहते हैं, तो जो भी कोई वैक्यूम बनेगा उसका लाभ हमें ही मिलेगा, दूसरी किसी पार्टी को मिलने वाला नहीं है। खैर, हम जिस भी अनुमान की बात कर रहे हैं वो हाईकोर्ट पर निर्भर करता है, फिलहाल सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। हरियाणा में चुनाव 1 साल दूर है, सब जानना चाहते हैं क्या इनेलो ये दूरी तय कर पाएगी। इनेलो के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति है और चौटाला परिवार के लिए काफी असमंजस भरी स्थिति। प्रश्न बहुत सारे हैं और उत्तर बहुत कम, जैसे कि वो क्या चुनाव लड़ पाएंगे या अपनी पार्टी को दोबारा से खड़ा कर पाएंगे या नहीं, और सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या वो उस पॉलिटिकल वैक्यूम को दोबारा से ऑक्यूपाई कर पाएंगे या नहीं। कैमरा पर्सन रिंकू मेहरा के साथ शमशेर चंदेल, DNI न्यूज, चंडीगढ़। जेबीटी अध्यापक भर्ती घोटाले में अदालत के फैसले के बाद हरियाणा की सियासत क्या मोड़ लेगी, ये जानेंगे आज हमारे मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सत्यपाल जैन जो भाजपा सांसद रह चुके हैं और पेशे से एक वकील हैं, ओंकार सिंह बटालवी वो भी एक वकील हैं, ब्रज मोहन जो दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक हैं, इसके अलावा हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं संपत सिंह जी जो हरियाणा कांग्रेस के नेता और विधायक हैं। साथ ही हम कोशिश करेंगे इनेलो नेता, इनेलो प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा जी से फोन पर संपर्क करने की, क्योंकि वो दिल्ली में हैं। सबसे पहले संपत सिंह जी, आपसे ही जानना चाहेंगे, आप आज जो फैसला आया है कांग्रेस को कितना फायदा मिलने वाला है सियासत में? ऐसा है मैडम, सवाल फायदा या नुकसान का नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कानून में लोगों का और न्यायालय में लोगों का एक विश्वास बढ़ा है। आज तक जितने भी जनप्रतिनिधि लोग थे, चाहे वो मुख्यमंत्री बन जाते थे, मंत्री बन जाते थे, कानून की परवाह नहीं करते थे और उनको पांव तले दाब के चलते थे। अब लोगों को सोचना पड़ेगा कि कानून सबसे ऊपर है, न्यायालय सबसे ऊपर है, उनको आपको कानून और न्यायालय की अवहेलना करके आप काम नहीं कर सकते हैं, और आम जनता में विश्वास जगेगा कि राजनीतिक लोगों के ऊपर भी कानून है, न्यायालय है, कोई दबंगई से नहीं चल सकता है।
और इसी तरह से जो हमारी जनतंत्र प्रणाली है उस प्रणाली में भी मजबूती आएगी। धीरे धीरे नौजवानों में जो राजनीतिक लोगों के प्रति उदासीनता आ रही थी कि राजनीतिक लोगों का कुछ बिगड़ता नहीं है, कुछ ही करें, कानून को वो लोग जो है ना ताक पर रह के रहते हैं, आज उन लोगों के हौसले बढ़ेंगे और ईमानदार आदमी जो राजनीति में आए हुए हैं उनको भी उत्साह मिलेगा कि हाँ ईमानदारी की कदर होती है और ईमानदारी और कानून से हटके जो काम करेगा उनको ताकतों को सबको हताशा मिलेगी। तो इसलिए सबसे बड़ी बात तो है ये कि देश की राजनीति में मील का पत्थर का काम करे, केवल हरियाणा प्रदेश ही नहीं सारे देश में मैसेज आएगा कि पहली बार हिंदुस्तान में किसी भी मुख्यमंत्री आ रहे आदमी को 10 साल की सजा और वो भी 57 लोगों को सजा होना, ये कोई छोटी बात नहीं है। ऐसा निर्णय कभी भी नहीं आया, आज तक एलिगेशन लगते रहे एक दूसरे के खिलाफ में, कोर्ट में केस चले हैं, चलान पुटअप हुए हैं, लेकिन एलिगेशन के एलिगेशन रह गए, अब तक किसी के प्रूव नहीं हुए हैं, किसी की सजा नहीं हुई है। ये पहला केस है जिसमें सजा हुई है, इस पर किसी को राजनीति करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सबको अपना आकलन करने की जरूरत है, अपना अंदर झांक के देखने की जरूरत है, सबको अपने अंदर सुधार करने की जरूरत है। अब जनता अब जो यानी एक संदेश है संपत सिंह, एक संदेश है राजनेताओं के लिए आज जो फैसला आया है, जैन साहब आपसे जानना चाहेंगे कानून ने अपना काम कितना किया है और कितना सही तरीके से किया है आज जो फैसला आया है। देखिए मैं इस बात पर, इस सारे जो निर्णय आया है उस पर दो बातें कहना चाहता हूं। भ्रष्टाचार का आरोप किसी पर भी लगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वर्तमान में हो, पहले रहा हो, आगे आने वाला हो, उस मामले में न्यायालय को अपना काम करने देना चाहिए, ईमानदारी से उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है उनके साथ किसी किस्म का कोई लिहाज नहीं होना चाहिए, उनको पूरी सजा मिलनी चाहिए। हमारी पार्टी पहले भी और आज भी इसके पक्ष में है, इसमें कोई पार्टी का प्रश्न नहीं। लेकिन एक विषय जो इसके साथ उठता है वो ये उठता है कि सीबीआई ने इस केस में जितनी मुस्तैदी के साथ अपना काम किया है, 13 साल लग गए 13 साल, लेकिन जितनी मुस्तैदी के साथ काम किया है, अच्छा होता अगर सीबीआई इतनी मुस्तैदी के साथ बाकी नेताओं के खिलाफ भी काम करते। हमारा जो आरोप है, हमारा आरोप यह है भ्रष्टाचार के अंदर भी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। यह सीबीआई कांग्रेस पार्टी आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी के खिलाफ केस चला रही है क्योंकि वो कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे थे जी। ये लालू और मुलायम और मायावती जी के खिलाफ केस चला रही है, जब भी वो कांग्रेस के खिलाफ बोलने लगते हैं तो उनकी फाइल खोल लेती है, जब वो कांग्रेस को समर्थन दे देते तो अपनी फाइल बंद कर लेती है। 2G स्पेक्ट्रम में मामला आया जी, कॉमनवेल्थ गेम्स का मामला आया, कोल स्कैंडल आया, अगर सीबीआई उतनी ही ईमानदारी से उतनी ही मुस्तैदी से इनके खिलाफ भी इंक्वायरी करे और करती तो मुझे लगता है ये मामले लॉजिकल एंड तक जा सकते थे। हमारा ये कहना है कि भ्रष्टाचार के मामले में किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होना चाहिए, पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार अपनी सीबीआई ज्यादा मुस्तैद हो और सीबीआई पे आप दुरुपयोग के भी आरोप लगा रहे हैं। सीबीआई का दुरुपयोग कांग्रेस पार्टी करती है और मैं संपत सिंह जी को सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, आपने कहा कानून का राज स्थापित हुआ है, सब कुछ हुआ है और बहुत अच्छा लगा है। संपत सिंह जी उस समय तो हमारे साथ ही होते थे, 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीमती इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द करके उनको भ्रष्ट आचरण पर 6 साल के लिए अयोग्य घोषित किया था जी। इसी कांग्रेस पार्टी ने संसद का अधिवेशन बुलाकर कानून ही बदल दिया था। जैसे आज अगर मान लो चौटाला साहब की सरकार होती तो वो संसद का कानून बनाकर बोलते कि नहीं नहीं जेबीटी घोटाले में भर्ती करना भ्रष्टाचार नहीं होगा। तो जो कानूनी राज की बात आप कर रहे हो वो इसलिए कर रहे हो कि आपके विरोधी को सजा हुई है, अगर यही सजा कांग्रेस के नेताओं को होगी तब भी कानूनी राज की बात करोगे। संपत सिंह जी आप क्या कहना चाहेंगे, आप पूरी बहस सुन रहे हैं। मैं सतपाल जैन जी की बड़ी कदर करता हूं, हमारे साथी हैं, बहुत एक सीनियर वकील हैं, लेकिन मैं ये उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो इन्होंने पुराना कांग्रेस पार्टी का इतिहास बताया उसका कांग्रेस पार्टी को खमियाजा भुगतना पड़ा। जब उन्होंने प्रजातंत्र का और कानून के साथ खिलवाड़ किया तो लोगों ने उनको सजा दी, बाकायदा दी, और आज जहां तक सीबीआई का मिसयूज का सवाल पैदा कर रहे हैं ये, तो मैं तो इस बात का हामी हूं कि ये मिसयूज सीबीआई का नहीं हुआ है। जैन साहब तो बहुत बड़े वकील है, मैं तो एक साधारण व्यक्तित्व हूं। इस ये केस जो है सीबीआई को कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया था, ये केस सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, एक एग्रीव्ड पार्टी संजीव कुमार जो उस टाइम अपने आप को एग्रीव्ड कहते थे, मुझे मालूम है सारा, वो गए थे और कहा कि मेरे साथ सरकार ने जाति की है, और उनके कहने के बाद सीबीआई को केस गया, और इस केस में भी आज नहीं है, 12 साल उस केस के अंदर लगे हैं। और जैन साहब 12 साल से भजनलाल जी ने मेरे खिलाफ ये केस दर्ज किया था, मैंने भी 12 साल भुगता था,
इसलिए मैं भुगत भोगी हूँ, मैं ये चाहता हूँ। नहीं संपत जी, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी के केस में किया था, अब आगे तो नहीं करोगे ना? कांग्रेस वालों को समझाना, अब आगे से ऐसा ना करें। प्लीज 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 मेरे प्लीज 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 मेरी सुन लीजिए। मैं उस टाइम उसके अंदर भी नहीं था, मैं तो उस टाइम आपके साथ हमारे साथ था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, ठीक है, नहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट हो और बाकायदा रेगुलर सुनवाई हो। बिल्कुल सही बात है, मैं आपसे सहमत हूं। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो गैंग रेप हुए हैं, सब ठीक गैंग रेप जो हुए हैं इनके अंदर रेगुलर सुनवाई हुई है। इसी तरीके से जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, बिल्कुल सही बात है, मैं आपसे पूर्ण आपकी बात समझ गया। आप चाहते हैं कि जो राजनेताओं पर जो मामले चले उसके लिए फास्ट ट्रैक गठित हो और मुस्तैदी से इन मामलों की सुनवाई हो। ओमकार सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे, 7 साल अनुमान लगाया जा रहा था कि अधिकतम सजा होती है भ्रष्टाचार के मामलों में, लेकिन इसमें 10 साल की सजा हुई है। इसमें सजा भ्रष्टाचार के मामले को साथ लेकर और साथ में और भी सेक्शन आईपीसी के सेक्शंस थे, जैसे इसमें 467 था, 471 था और भी कई से 120B था, क्योंकि एज सच ये उस टाइम अजय चौटाला जो थे वो पब्लिक सर्वेंट नहीं थे, उन पे 120B है, ठीक है, तो 120B और इसमें 467 में उन्हें 10 इयर्स की, क्योंकि इनमें लाइफ इंप्रिजनमेंट की प्रावधान है, सारी धाराओं मिला के ये सजा बढ़ी है, सजा बढ़ी है, क्योंकि अदरवाइज ये जो 467 है, 420 है, इट इज ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट, ठीक है, ओनली बिकॉज इसके साथ जो है वो पीसी एक्ट लगा हुआ था, करप्शन के चार्जेस थे, करप्शन के लगा था, इसलिए ये सेशन कोर्ट ने ट्राई करके तो 10 साल आगे उन्होंने हाईकोर्ट में जाने की बात कही है। अगर वो हाईकोर्ट में जाते हैं तो कितनी राहत मिल सकती है? हाई कोर्ट में जाने से उनको अगर तो 389 सीआरपीसी में वो हाई कोर्ट जाएंगे तो उसमें अगर तो उनकी कन्विक्शन सस्पेंड होती है जी, तभी वो इलेक्शन लड़ पाएंगे। अगर उनकी कन्विक्शन सस्पेंड नहीं होती, एज इट इज रहती, क्योंकि पहली बात तो ये है उनको 389 में बेल मिलना जी। बेल उनको कितनी देर में उनकी सेंटेंस जो है वो सस्पेंड होती है, सेंटेंस सस्पेंड होना और कन्विक्शन सस्पेंड होना या स्टे होना टिल द डिसीजन ऑफ द अपील, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या मानते हैं? इसमें दो बातें हैं कि वर्तमान कानून के अनुसार कोई व्यक्ति प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में चाहे जुर्माना हो चाहे एक दिन की सजा हो जी, उस दिन से वो 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता, ठीक। बाकी आईपीसी की धाराओं में अगर 2 साल से ज्यादा सजा है तो वो 2 साल के ज्यादा की सजा काटने के बाद 6 साल और, मान लो 10 साल की सजा है तो 10 साल की सजा और 6 साल की अयोग्यता, 16 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। अपील डालेंगे जो वर्तमान में सांसद और विधायक हैं जी, उन पर अगर वो 3 महीने में अपील डाल देते हैं तो उनकी जो वर्तमान सदस्यता है वो बनी रहती है, ठीक। लेकिन अगर अगला चुनाव लड़ना है तो वो नहीं, तो अपील में जब तक उनको दोषी करार दिया जाना, जिसे कन्विक्शन का शब्द अंग्रेजी में इस्तेमाल करते हैं, अगर वो स्टे हो जाती है तो वो चुनाव लड़ सकते हैं हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट में ये अपील हाईकोर्ट में जाएगी, 10 साल की सजा है, तो अगर कन्विक्शन स्टे होती है तब वो चुनाव लड़ सकेंगे। अगर कन्विक्शन स्टे नहीं होती है, भले ही जमानत मिल भी जाती है, तभी वो चुनाव नहीं लड़ सकते। जहां तक जमानत का ताल्लुक है, इसके संबंध में पूरी की पूरी डिस्क्रिशन हाईकोर्ट की है। कई बार हाईकोर्ट 6 महीने के बाद जमानत देती है, कई बार हाईकोर्ट कहती है कि जितनी सजा हुई है 1 साल कम से कम 1 महीना आपने जेल में बिताया हो तब आपको बेल मिलेगी। कई बार कोर्ट 5 साल की 10 साल की अगर सजा हो तो, धर्मपाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 4-5 साल की सजा भी काटी होनी चाहिए। जमानत देना, स्टे देना पूर्णतः हाईकोर्ट की डिस्क्रिशन में है। और इसमें कितना वक्त लग सकता है? ये अपील डालने पे डिपेंड करेगा। एक साल सवा साल रह गया हरियाणा में इलेक्शन। ये जो जहां तक स्टे और बेल का ताल्लुक है, वो तो जो ही ये डालेंगे हाईकोर्ट में अर्जेंट फॉर्म लगेगा, 2-3 दिन में सुनवाई हो जाएगी। अब ये हाईकोर्ट पर डिपेंड करेगा कि वो बेल के लिए पहले नोटिस देती है, कितना नोटिस देती है, कितना समय देती है, उन सारी बातों पर निर्भर करेगा। और उसके बाद ये तय हो पाएगा कि ये आगे की स्थिति क्या बनेगी। क्योंकि एक बात और मैं ध्यान में ला दूं, जहां 120B लगता है, षड्यंत्र में शामिल होना, कॉन्स्पिरेसी में आना, उसके अंदर कितनी डायरेक्ट एविडेंस है और कितनी इनडायरेक्ट एविडेंस है जी, ये इस पर निर्भर करेगा हाईकोर्ट का आगे निर्णय आना। क्योंकि वो जजमेंट हमने पढ़ी नहीं है, बडालवी साहब ने भी नहीं पढ़ी, मैंने भी नहीं पढ़ी, इसलिए इस पर भी निर्भर करेगा कि जज साहब ने अपने निर्णय में उसका ठोस आधार क्या दिया है। ठीक है, ब्रजमोहन, इस पूरे सियासी समीकरण को कैसे देख रहे हैं हरियाणा की राजनीति में? क्योंकि पिछले जो 2009 में विधानसभा चुनाव हुए, एक मजबूत पार्टी के तौर पर उभरी थी इनेलो, 30 सीटें मिली थी,
कांग्रेस से बहुत ज्यादा 32 वो एक अकाली दल का शामिल हुआ था और एक बसपा का मेरे ख्याल से ऐसा ही शायद नहीं 32 अपनी थी उनकी 32 सीटें थी क्योंकि एक विधायक दो जगह से जीत गया था 32 सीटें इनकी थी 4 बीजेपी की 6 हरियाणा जनता कांग्रेस 1 बीएसपी और 7 इंडिपेंडेंट 40 कांग्रेस मजबूत पार्टी के तौर पर उभरी थी और इस बार लग रहा था कि काफी मजबूत दिखाई भी दे रही है लेकिन अब जो आज ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला पर फैसला आया जब दो मुख्य चेहरे पार्टी से गायब हो जाते हैं तो क्या असर पड़ेगा सियासत पर देखिए 2009 के जो चुनाव हुए तो मैं कैंपेनिंग में बहुत जगह पे चौटाला के साथ गया जी। तो चौटाला के जो इनसाइडर्स थे जो उनके साथ में काम कर रहे थे लगातार ये मान के चल रहे थे ज्यादा से ज्यादा जो सीटें आएंगी वो 20-22 मैक्सिमम 25 सीटें आएंगी। तो जिस दिन मतों की गिनती हुई मैं चौटाला जी के घर पे ही था जी। सेक्टर 2 में 50 नंबर कोठी में और सुबह सुबह जब सीटों के आंकड़े बढ़ते गए 30 से 32 के आसपास में आ गए तो चौटाला को थोड़ी सी उम्मीद जगी थी कि शायद उनकी सरकार बन जाएगी जी। और वो दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे थे गाड़ी बाहर खड़ी थी वो दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे थे ड्राइवर उनका इंतजार कर रहा था बाहर लेकिन बाद में पता चला कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जो जीत के आए थे वो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं तो उनकी उम्मीदों को बहुत बड़ा झटका लगा और जो एक जोर तोड़ की कोशिशें हो रही थी बिल्कुल कोशिश हो रही थी जो व्यग्रता मैंने ओम प्रकाश चौटाला के अंदर देखी थी जो आग आप कह सकते हैं फायर अभी भी इस उम्र में भी उनके अंदर काफी है और काफी आक्रामक राजनीति करते हैं जी। आज लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये राजनीति उनके बेटे कर सकते हैं बिल्कुल कर रहे हैं उसी अंदाज में जो चौटाला के वर्कर्स भी हैं इनेलो पार्टी के वो भी उसी तरह से उसी अंदाज में यही आक्रामक तरीका वो देखी जा रही है कोर्ट के बाहर दिखी बिल्कुल हर जगह देखी जाती है। मैंने विधानसभा के बहुत सारे चुनाव कवर किए हरियाणा के उनके कार्यकर्ता भी उतने ही अग्रेसिव है। अब क्या हुआ यही एक वजह है जो एग्रेशन है वो उनके कैडर को एकजुट रखती है पार्टी की जो सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो एकजुट रहते हैं। अब क्या समीकरण बनते दिख रहे हैं समीकरण देखिए ये जो सवाल है ये नेतृत्व का संकट जो लीडरशिप की बात आप कर रहे हैं ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला पार्टी के पब्लिक फेस थे पब्लिक से जो इंटरेक्शन होता था सामने ओम प्रकाश चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला के बाद अजय चौटाला थे और जो अभय चौटाला थे वो पार्टी का मैनेजमेंट देख रहे थे जी। जो पर्दे के पीछे रख के सारा काम होता है पार्टी का काम वही देख रहे थे अभय चौटाला बिल्कुल अब नेतृत्व का जो सवाल है अभय चौटाला को पर्दे के पीछे से सामने आना पड़ेगा आपको लगता है वो उनको जनता से संभाल पाएंगे जैसा ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं जिस तरह से जिस किस्म के वक्ता हैं ओम प्रकाश चौटाला जिस तरह से कम्युनिकेट करते हैं अपने कैडर से अपने वोटर से वो चीज हासिल शायद नहीं कर पाएंगे ना तो अजय चौटाला कर पाएंगे और ना तो अभय चौटाला लेकिन वक्त लगेगा भी। वक्त लगेगा इसमें मुझे लगता है कि जनरेशन का ये चेंज हो जाएगा ये जो पूरा मामला चला है तो इसके बाद से इनेलो अभी काफी बड़े संकट में है छोटा झटका ये नहीं है ये बहुत बड़ा झटका बड़े संकट में इनेलो बड़ा झटका है। इस चर्चा को हम यूं ही जारी रखेंगे लेकिन यहां फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला को मिली 10 साल की कैद की सजा और उसके संभावित परिणामों की। हमारे साथ संपत सिंह जी कांग्रेस नेता जुड़े हुए हैं। संपत सिंह जी आप खुद ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ काम कर चुके हैं आपको लगता है कि अब जब इनेलो में बड़ा नेतृत्व सामने नहीं है तो पार्टी पर निश्चित तौर पर इसका असर पड़ेगा। देखिए जो रीजनल पार्टीज होती हैं उन पर नेतृत्व पर असर पड़ता है तो पार्टी पर स्वाभाविक असर पड़ता है क्योंकि वो पार्टी के मुखिया के रूप में काम करते हैं। कोई भी पार्टी का मुखिया रीजनल पार्टी का ये नहीं चाहता किसी दूसरे आदमी को सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए। राष्ट्रीय पार्टियां हैं भारतीय जनता पार्टी है कांग्रेस पार्टी है यहाँ विकल्प की कोई दिक्कत नहीं आती है लेकिन यहाँ विकल्प की दिक्कत आती है एक आदमी का ही राज चलता है। आज भी मैं सुन रहा हूँ लोकदल के काफी लोगों के बयान कि चौटाला साहब भी हमारे लीडर रहेंगे चाहे वो जेल में है चाहे जेल से बाहर है तो स्वाभाविक है इसका असर पड़ेगा। मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि आज मुझे क्योंकि उस परिवार के साथ बहुत लंबा समय बिताने का मौका मिला आज मुझे इस बात का अफसोस भी है। मैं उनको बहुत बार कहता था कि चौधरी देवीलाल की नीतियों को मत आप छोड़ें लेकिन उनकी नीतियों को छोड़ के उन्होंने अपनी जो अलग कोटरी बनाई इसी का आज ये अंजाम है कि उनको ये चीजें भुगतनी पड़ रही है। उनकी नीतियों को बिल्कुल उन्होंने छोड़ दिया उनका नाम का तो इस्तेमाल वो बहुत करते रहे
एक घंटे में 95% चोर देवराल के बारे में बोलते हैं जी। लेकिन कार्यशैली उनसे 100% डिफरेंट है। इससे उनको जो नुकसान भुगतना पड़ा है, और इससे दूसरा मैंने बताया कि देश में संदेश जाएगा, केवल मात्र हरियाणा प्रदेश में नहीं, देश की राजनीति में एक बदलाव आएगा। हर राजनीतिक आदमी सोचने पर मजबूर होगा, चाहे वो किसी पार्टी का नेता क्यों ना हो, चाहे वो राज में चाहे विपक्ष में, जनप्रतिनिधि को सोचना पड़ेगा कि तुम्हें कानून के हिसाब से काम करना पड़ेगा। प्रशासनिक अधिकारियों को भी सोचना पड़ेगा कि राजनीतिक लोगों के आदेश मानने हैं तो वो कानून के दायरे में है या कानून के दायरे से बाहर है, क्योंकि इसमें बहुत से अधिकारियों की भी सजा हुई है। इसलिए ये निर्णय जो है एक मील का पत्थर का काम करेगा और राजनीति में स्वच्छता लाने का काम करेगा। और जो नौजवानों में राजनीतिक लोगों के खिलाफ एक आक्रोश हो रहा था कि इनका कुछ बिगड़ता नहीं है, राजनीतिक लोगों का ये कुछ भी कर ले, इनके सामने कानून और न्यायालय नहीं है, अब उनमें एक विश्वास जगेगा। मैं तो ये कहता हूं कि ये एक अच्छा साबित होगा, देश के लोगों को इस फैसले की कदर करनी चाहिए, इस देश विदेश के फैसले को लोगों को मान सम्मान करना चाहिए और सर हाथों पर चढ़ाना चाहिए, ताकि आइंदे कोई राजनीतिक लोग इस तरह काम ना करें, मनमानी से ना करें, दबंगई से काम ना करें, सामंतवादी प्रथा से ना करें। इस तरह की बातें करनी पड़ेगी और असर तो स्वाभाविक है। देखो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, जब मुखिया प्राण चाहती है तो उस पार्टी पर और उस परिवार पर असर पड़ता है। ठीक है, ठीक है, आपका कहना है कि असर पड़ेगा इनेलो पे, और आप ये भी कह रहे हैं कि मील का पत्थर साबित होगा ये फैसला और लोगों में एक सही संदेश जाएगा। ब्रिजमोहन कार्यशैली की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं देवीलाल की बात तो करते हैं ओम प्रकाश चौटाला, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चले नहीं, क्या वाकई ऐसा है? कार्यशैली में फर्क था? देखिए डायनेस्टिक रूल जहां भी इस तरह का आप देखते हैं, चाहे वो तमिलनाडु की बात करें, पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो इस तरह का वैल्यू सिस्टम आप इनहेरिट करते हैं और उसको फॉलो करते हैं जी। खुद जो संपत सिंह अभी शरीक हो रहे थे इस डिस्कशन में, वो इसके शिकार हैं। लोगों को पता है कि देवीलाल काफी इनको चाहते थे, संपत सिंह को भी, और चाहते थे कि पार्टी में ये बने रहें। अगर संपत सिंह मुझे सुन पा रहे हो तो बिल्कुल सुन तो रहे, वो चाहते थे कि संपत सिंह पार्टी में बने रहें, लेकिन संपत सिंह जी पार्टी की नीतियों से दुखी होके वहां से निकल के आए। शायद काफी सारे इनके साथी होंगे जो इनेलो छोड़ के कांग्रेस पार्टी में और दिगर पार्टियों में चले गए, तो निश्चित तौर पे ये तो नुकसान होता ही है जो इस तरह की रीजनल पार्टीज होती हैं, क्योंकि परिवार ही पूरा पार्टी चला रहा होता था। तो यही स्थिति हुई आज इनेलो पार्टी। संपत सिंह जी बहुत कम वक्त है, आप ब्रजमोहन की बात से सहमत है कि वाकई नीतियों से दुखी होकर आप निकले थे? इसमें कोई दोराय नहीं, चौधरी देवीलाल जी मेरे से बहुत बड़ी उम्र में थे, लेकिन मैंने उनसे बहुत सीखा जी। और उन्होंने हमेशा मेरी बातों की इज्जत की, मान सम्मान किया, और जब भी मैंने कोई बात की उन्होंने कभी मेरी बात को टाला नहीं, बल्कि यहाँ तक मुझे कहते थे कि संपत सिंह तुम ओम को समझाओ, ये राज एमएलए से चलता है, न कि एमएलए के सामने कोई अनऑथराइज पावर पैदा करने से चलता है। तो बहुत सी बातों के साथ जब चौधरी देवलाल जी और ओम प्रकाश जी के विचार टकराव होते थे तो मैं बीच में समझौता कराता जी, था जी। और मैं उस आदमी का ऋणी हूँ चौधरी देवलाल जी का, कि मुझे वो राजनीति में लेकर आए थे, मैं तो बहुत एक छोटे परिवार से था। ठीक है, लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, ठीक है, संपत सिंह जी हमारे पास वक्त कम है, हम जैन साहब के पास जाने रहेंगे। जैन साहब, कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार के खिलाफ होने की बात कर रहे हैं, कुछ लगता नहीं विरोधाभास सा नजर आ रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि केंद्र में इतने सारे नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। मुझे दोनों बातें अच्छी लग रही हैं। कांग्रेस के नेता ये भी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को सजा होनी चाहिए, और कांग्रेस के नेता ये भी कह रहे हैं कि परिवारवाद की पार्टी, रीजनल पार्टियों में परिवारवाद होता है। परिवारवाद तो सबसे ज्यादा है तो कांग्रेस पार्टी में है। अभी दो दिन पहले श्रीमती सोनिया गांधी के पुत्र को उपाध्यक्ष बनाने पर, हालांकि मैं तो कई बार कांग्रेसियों से पूछता हूं कि क्या उनकी ये प्रमोशन है कि डिमोशन है। हम तो ये मान रहे थे कि श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों नंबर वन पे हैं, अब नंबर वन और नंबर टू पे हुए, लेकिन परिवारवाद तो वहां भी है। मेरा सिर्फ इतना निवेदन करना है, कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें देशभर एक मत होना चाहिए, ठीक है, परिवारवाद चाहे राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टी में है चाहे क्षेत्रीय पार्टी में, देश के हित दोनों में बराबर की निंदा होनी चाहिए। नंबर दो, देश के हित में अगर कुछ हो रहा है तो कोई कुछ गलत, परिवारवाद गलत हो रहा है चाहे किसी पार्टी में, राजनीतिक में है चाहे क्षेत्रीय में है चाहे राष्ट्रीय पार्टी में। दूसरा, मैं संपत सिंह जी से सहमत हूं, भ्रष्टाचार के मामले में अगर पूर्व मुख्यमंत्री को सजा हो सकती है तो 2G स्पेक्ट्रम का मामला, कोल घोटाले का मामला, ये आपका कॉमनवेल्थ के घोटाले का मामला, मायावती जी, मुलायम यादव, लालू यादव, जो इनके सारे केस चल रहे हैं, जिनका समय समय पर सीबीआई का सरकार दुरुपयोग करके उनसे वोट लेती है, समर्थन लेती है, वो बाहर एफडीआई का विरोध करते हैं, रात को फाइलें दिखाकर सुबह वो पक्ष में वोट डाल जाते हैं,
इन सब का निर्णय होना चाहिए। भ्रष्टाचार में आरोपित व्यक्ति चाहे कांग्रेस का है, चाहे भाजपा का है, चाहे अकाली दल का है, चाहे लोक दल का है, किसी का भी है, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन में कोई कमी ना हो, सबको बराबर की सजा मिले, ऐसा हमारा मत है। बीजेपी का क्या भविष्य रहेगा हरियाणा में? देखिए हरियाणा में एक बात समझ लीजिए आप, फायदा मिलेगा कांग्रेस, कांग्रेस का विकल्प पंजाब और हरियाणा की राजनीति मोटी समझ लीजिए आप। गैर कांग्रेसी सरकार तब बनती है जब भाजपा उसमें पार्टनर होती है। अगर बीजेपी मजबूत होती है तो कांग्रेस नीचे जाती है, बीजेपी और लोकदल की सरकार बनती है, या एचजेसी की सरकार का हमारा जो अब हुआ है बंसीलाल जी के साथ हमारी सरकार रही। पंजाब और हरियाणा की राजनीति में रीजनल पार्टी बिना बीजेपी के सरकार नहीं बना सकती है। आज हमारा अलायंस हरियाणा जनहित कांग्रेस से हुआ है, चौटाला साहब की पार्टी से हमारा अलायंस कई वर्षों से नहीं है। नेचुरली ये नेचुरल है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, अल्टीमेटली वोट की राजनीति मैथमेटिकल कैलकुलेशन आती है। अगर चौटाला साहब की पार्टी कमजोर होती है तो जो विपक्ष का वैक्यूम है जो कम होता है तो वो उसका लाभ नेचुरली हरियाणा जनहित कांग्रेस और भाजपा के अलायंस को मिलता है। ब्रजमोहन जी, जो जैन साहब कह रहे हैं आप सहमत है कि बीजेपी और हजका को मिलेगा इसका फायदा, कांग्रेस को नहीं मिलेगा? देखिए जितनी भी जो नॉन जाट वोटर्स हैं वो हरियाणा जनहित कांग्रेस और बीजेपी के इकट्ठे होने से काफी उनको फायदा होगा। और मुझे लगता है कि कुलदीप बिश्नोई के सामने मैदान पूरा खुला है, वो कितना स्कोर कर सकते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उनके सामने चुनौती आज बहुत नहीं है जी जी नॉन जाट वोटर्स की। ठीक जी, तो मतलब अब इंतजार करना होगा अगले साल क्या चुनावी नतीजे और तब तक कोर्ट का निर्णय क्या आता है, कोर्ट का निर्णय बिल्कुल हाई कोर्ट के साथ होता है बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, जो आगे घटनाक्रम बनेगा वो इसके अंदर इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल जी जी जी। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, शुक्रिया संपत सिंह जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला को राहत मिलती है या नहीं, ये फैसला अदालत पर ही छोड़ देना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों को इस पूरे प्रकरण से सबक लेने की जरूरत है। देश का कानून सर्वोच्च है, इसमें कोई भी परे नहीं है। हाँ, एक बात जो गौर करने लायक है वो ये कि इस पूरे मामले को अदालत में 12 साल लग गए, तो आज हम आपको एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, क्या नेताओं से जुड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए भी फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई जानी चाहिए? सोचिए और अपने विचार हमें भेजिए। नमस्कार।